नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हम लोगों का पहला जो टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें जाने थे। अब हम जानते हैं पार्ट 2 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए रखी हुई है, और ये सारा का सारा जो वीडियो है ये 1 लाइनर वीडियो के रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आज हम बात करेंगे लैंगिक प्रजनन की। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव के लैंगिक अंग भाग लेते हैं तथा युग्मकों के निषेचन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें लिंग कोशिकाएं भाग लेती है तथा निषेचन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि निम्नवर्गीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचनाएं आकारिकी रूप से समान होती है, परंतु कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती है। इनमें से एक संरचना को हम प्लस स्ट्रेन तथा दूसरी संरचना को माइनस स्ट्रेन कहते हैं। वहीं पर एक और बात थोड़ी सी ध्यान रखें कि जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन में प्रजनन के समय गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिनमें से एक अधिक एक्टिव होता है, अधिक सक्रिय होता है, जिसे मेल गैमेट या नर युग्मक कहते हैं, जबकि दूसरा युग्मक निष्क्रिय अथवा अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है, जिसे मादा युग्मक कहा जाता है। भाई, आप लोगों को मालूम है कि जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होता है। आगे देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ लोअर कैटेगरी के प्लांट्स की बात करें, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जैसे शैवाल तथा सिनकाइट्रियम जैसी कवक में लैंगिक प्रजनन के दौरान चल युग्मक बनते हैं, जिन्हें आइसोगेमेट्स कहते हैं। इनमें बनने वाली युग्मक आकारिकी रूप से समान होते हैं, परंतु कार्यात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें उलोगोनियम, कारा आदि शैवालों में नर प्रजनन अंग को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। वहीं पर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि पॉलीसाइफोनिया नामक लाल शैवाल में नर प्रजनन अंग को स्पर्मेंटे गोनियम तथा मादा प्रजनन अंग को कार्पोनियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्रायोफाइट जैसे कि रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया आदि में नर प्रजनन अंग को एंथ्रीडियम तथा मादा प्रजनन अंग को आर्कोगोनियम कहते हैं। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। लाइकोपोडियम जैसे सिलेजिनेला, टेरिस जैसे टेरिडोफाइट लाइकोपोडियम सिलेजिनेला टेरिस जैसे टेरिडोफाइट्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, जबकि मादा प्रजनन अंग को आर्किगोनियम कहते हैं। अब भाई सवाल ये होता है कि ये एंथ्रीडियम है क्या? तो एंथ्रीडियम एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंतर अंदर बहुत से एंथ्रीडियल चैम्बर होते हैं, एंथ्रीडियम चैम्बर होते हैं, और इनमें मेल गेमिट जिन्हें एंथ्रोजॉइट्स कहा जाता है का निर्माण होता है। वहीं पर हम आर्किगोनियम की बात करें तो आर्किगोनियम एक फ्लास्कनुमा संरचना होता है जिसका भाग वेंटर कहलाता है, और इस वेंटर के अंदर जो है एक सेल या अंड कोशिका उपस्थित होती है। अब अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हेट्रोगेमेटिक या ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। हेट्रोगेमेटिक प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। भाई, प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं, सामान्य प्रजनन विधियों के अलावा अन्य दूसरी विधियों में भी हैं। तो जरा देखिए क्या होता है भाई, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है, एपोमिक्सिस कहलाती है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे एपोगेमी। भाई प्रजनन तो निषेचन तो हो नहीं रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है तो फिर कैसे
एक नए जीव का निर्माण होता है, उसी चीज को हम इसमें समझेंगे। इसमें एपोमिक्सिस के अंतर्गत पहला है एपोगेमी, प्रजनन की वह विधि जिसमें भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर, एम्ब्रुशेक को छोड़कर, गेमेटोफाइट की किसी भी कोशिका से होता है, एपोगेमी कहलाती। वहीं दूसरा देखिए एडवेंटिव एम्ब्रायनी या अपस्थानिक भ्रूणता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पादपों में भ्रूण सीधे न्यूसेलस अथवा इंटेगुमेंट की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाता है, तब इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू में अक्सर होता है। कि क्या बात की भाई हमने, कभी कभी कुछ पादपों में भ्रूण सीधे न्यूसेलस अथवा इंटेगुमेंट की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाता है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू में। तीसरे नंबर पर देखिए तो हम बात कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस की, कुछ विधि जिस वह विधि जिसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स तथा सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल के कुछ सदस्यों में पाया जाता है। या जंतुओं की अगर हम बात करें तो जंतुओं में जैसे दीमक हो गया, हनी भी हो गया, इनमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। चौथी विधि अगर देखें तो डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या है? डिप्लोस्पोरी में प्रजनन की वह विधि जिसमें द्विगुणित भ्रूणपोष महाबीजाणु कोशिका से बगैर अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का जो प्रजनन है एरिबा टोमेंटोसा में पाया जाता है। पांचवी स्थिति देखिए एपोस्पोरी। एपोस्पोरी की जब हम बात करते हैं तो क्या है भाई एपोस्पोरी? जब द्विगुणित बीजांड का है न्यूसेलस या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए तो इसे हम अपबीजाणुकता कहते हैं। जब द्विगुणित बीजांड का है या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए तो इसे अपबीजाणुकता कहते हैं, जैसे कि संतरा तथा आम में। अब देखिए अब दूसरी बात क्या आ गई भाई एपोमिक्सिस के बाद। एपोमिक्सिस के बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं पॉली इम्ब्रॉयनी की। अब पॉली इम्ब्रॉयनी क्या है, बहुभ्रूणता क्या है? जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन को बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन जो है नींबू में, कोनिफर्स की कई जातियों में पाया जाता है, निकोटियाना में भी इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए हम, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ पौधे, अब यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करें कि उनके लाइफ साइकिल में किस प्रकार से फूल और फल विकसित होते हैं इसकी बात करें, तो क्या हो रहा है कि कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प तथा फल धारण करते हैं और इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें मोनोकार्पिक पौधे कहा जाता है। याद रखिएगा कि मोनोकार्पिक पौधे जैसे कि गेहूं, धान, मूली, गाजर आदि। आपने देखा होगा कि गेहूं जो है एक बार में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं बहुवर्षीय पौधे जिनमें जो परिपक्व होने के बाद प्रत्येक वर्ष एक विशेष ऋतु में पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं, जैसे कि संतरा, आम, सेब, अंगूर आदि। आपने आम को बहुत अच्छे से देखा होगा कि हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है आम आता है। हालांकि अब तो आर्टिफिशियल रूप से जो है वर्ष भर उसको बनाए रखा जाता है, लेकिन उसका भी अपना एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जंतुओं की बात कर ले। जंतुओं में हम उनकी बात करें जो प्लेसेंटा धारण किए होते हैं। अपराधारी स्तनधारियों की जो मादाएं हैं उनमें अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं तथा हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान सतत रूप से चक्रीय परिवर्तन प्रदर्शित करती है। भाई ऐसे फीमेल जो कि प्लेसेंटा को धारण किए हुए होते हैं क्या काम करते हैं वो? अंडाशय की उनकी सक्रियता, सहायक नलिकाओं तथा हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान सतत रूप से चक्रीय प्रदर्शन प्रदर्शित करती है। यह चक्र दो प्रकार का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रकार का साइकिल जो है बंदर, लंगूर तथा मनुष्य आदि प्राइमेट्स में पाया जाता है, जिसे हम रज चक्र या ऋतु श्राव चक्र भी कहते हैं। ऋतु श्राव चक्र भी कहते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रस साइकिल। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा हो गया ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल या मध चक्र जिसे कहते हैं,
यह प्राइमेट स्तनधारियों, यहां पर ध्यान में रखना है कि ये प्राइमेट लिख गया है लेकिन अप्राइमेट है, अप्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि में यह चक्र पाया जाता है। इनके जीवन काल में एक मद काल आता है, हीट पीरियड आता है, जिसमें मादा के रक्त में एस्ट्रोजेन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कि गाय में यह 18 घंटे का होता है, वहीं पर कुत्ता बिल्ली में 7 दिन का होता है। अगर इस दौरान मेटिंग हो गई तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा एक भ्रूण का विकास होगा, अन्यथा अगर मेटिंग नहीं हो पाए, निषेचन नहीं हो पाया, तो फिर यह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इस पे देखें, शैवाल तथा कवकों में द्विलिंगी अवस्था को समजालिक होमोथैलिक तथा एकलिंगी अवस्था को विषमजालिक कहते हैं। यहां पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि शैवाल तथा कवकों में द्विलिंगी अवस्था को समजालिक तथा एकलिंगी अवस्था को विषमजालिक कहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई कुछ जीव जो है प्रजनन कितने वर्षों में संपन्न करते, कैसे करते, उस पर देखें कि बांस के पौधा, जो बांस होता है, बांस के पौधे सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार बड़ी संख्या में पुष्प उत्पन्न करते हैं तथा फल बनने के बाद ये मर जाते हैं। भाई एक मिथक ये भी है कि जब बांस फुलाता है, जब बांस पे फूल आते हैं तो उस वर्ष अकाल भी पड़ जाता है। चलिए देखें, नीला कुरंजी प्लांट 12 वर्षों में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। नीला कुरंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आगे चले देखें, यहां पर आपको जो महत्वपूर्ण बात है ये है, जंतुओं में या प्लांट्स की भी बात कर लें हम, जीवों की अगर बात कर रहे हैं तो विभिन्न जीवों के लैंगिक जनन में 3 मूलभूत घटनाएं होती है जिन्हें 3 स्पष्ट अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला निषेचन पूर्व की घटनाएं, दूसरा निषेचन अथवा युग्मक संलयन, और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाएं। एक बात और ध्यान रखिए कि जायगोट से भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है। जायगोट से भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती। भाई यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही हो, देखिए कि कुछ जंतु लार्वल अवस्था में ही लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ जंतु लार्वल अवस्था में ही लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं, जिसे पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं, जैसे मड पपी, नेक्टूरस तथा कांगोइल। कुछ जीव अपना जीवन चक्र लार्वल अवस्था में ही पूरा करते हैं, ये अपना पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है केवल लार्वल के रूप में ही रहते हैं। इस कंडीशन को, इस अवस्था को नियोटेनी कहते हैं, जैसे एक्सोलोटल लार्वा। ये भी होता है कि ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ये वयस्क में भी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये अपना पूरा का पूरा जीवन चक्र जो है वो कैसी अवस्था में व्यतीत करते हैं, लार्वल अवस्था में। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है भाई, नियोटेनी कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दो भिन्न युग्मकों का पूर्ण रूप से संलयन, दो भिन्न युग्मकों का पूर्ण रूप से संलयन निषेचन कहलाता है, इसे हम सिनगेमी भी कहते हैं। भाई निषेचन की प्रक्रिया आपको मालूम है कि दो प्रकार की होती है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, जबकि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के बाहर जल में संपन्न होती है, जैसे मछलियां, मेंढक आदि में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो समझिए। बहुत जल्द जो है अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो आने वाला है, और तीसरा पार्ट जो है इसका होगा प्लांट रिप्रोडक्शन पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं हम हमारे तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।